भारत और आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 18 अगस्त से हो रहा है। इस सीरीज के सभी मुकाबले डबलिन के द विलेज मालाहाइड में खेले जाएंगे। दूसरा और तीसरा मैच 20 और 23 अगस्त को खेला जाएगा। पहले मैच से पूर्व डबलिन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट में बारिश की तकरीबन 90% आशंका है। ससेक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि जयदेव उनादकट उनकी टीम के साथ जुड़ गए हैं। वहीं डरहम, लिस्टरशायर और डर्बी शायर के खिलाफ होने वाले मैचों में सिलेक्शन के लिए वे उपलब्ध रहेंगे। पुजारा ने पिछले सत्र में ससेक्स की कप्तानी की थी, जबकि उनादकट पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। उनादकट हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे स्क्वाड का हिस्सा बने थे। न्यूजीलैंड की टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान यूएई को 19 रनों से हरा दिया। इस मैच की दोनों पारियों में पहली गेंद पर विकेट गिरा। साथ ही 18 वर्ष के आर्यांश शर्मा ने अपने डेब्यू टी20 में 60 रनों की पारी खेलकर एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सीरीज का दूसरा व तीसरा मुकाबला 19 और 20 अगस्त को खेला जाएगा। युवा सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल ने गुरुवार को बताया कि वह अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण 3 से 4 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहेंगे। देवदत्त आईपीएल में राजस्थान की ओर से खेलते हैं और फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। यूएस मास्टर्स टी10 लीग का पहला सीजन 18 से 27 अगस्त तक खेला जाएगा। 6 टीमें कैलिफोर्निया नाइट्स, न्यूयॉर्क वॉरियर्स, टेक्सास चार्जर्स, न्यू जर्सी लेजेंड्स, मॉरिस विले यूनिटी और अटलांटा राइडर्स इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। ट्रॉफी के लिए अगले 10 दिनों में कुल 26 टी10 मैच खेले जाएंगे। इसमें हिस्सा ले रहे हैं इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा, एस श्रीसंत, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। एशिया कप 2023 में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक नॉर्मल स्टैंड के टिकट $30 यानी कि 2500 रुपए में बिके हैं। वहीं VIP स्टैंड में टिकट हासिल करने के लिए लोगों को 10,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। VIP स्टैंड के टिकट हासिल करने के लिए फैंस को $300 यानी कि 25,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। टिकटों की जानकारी हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। इस दौरे पर वह वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी, जहां 3 वनडे मुकाबले उनके वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। न्यूजीलैंड की टीम ये दौरा सितंबर के महीने में करेगी। न्यूजीलैंड का 10 साल में बांग्लादेश का ये पहला दौरा होगा। आखिरी बार कीवी टीम ने 2013 में बांग्लादेश का दौरा किया था। पृथ्वी शॉ इंजरी के कारण आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 से बाहर हो गए। 13 अगस्त को काउंटी क्लब नॉर्थ हैम्पटन शायर के लिए खेलते समय उनके घुटने में चोट लग गई और वह भारतीय घरेलू सीजन के शुरुआत के ज्यादातर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने 17 अगस्त को पृथ्वी शॉ से बातचीत की और उनकी चोट की समय सीमा पर चर्चा की। पृथ्वी शॉ के 2 या 3 महीने तक टीम से बाहर रहने की उम्मीद है और फिलहाल लंदन में BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी पर जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि जब ठीक होने में समय लगता है तो बहुत निराशा होती है। खुद पर संदेह करने के बजाय मैं सोच रहा था कि कैसे फिट हो जाऊं और टीम में वापसी करूं। मैं विश्व कप के हर मैच में 10 ओवर करने के बारे में सोच रहा था। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा करियर खत्म हो सकता है। मैं समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा 14 अगस्त को पोस्ट किए गए एक खास वीडियो में इमरान खान के नहीं होने पर विवाद हुआ था। इसके बाद वसीम अकरम समेत कई दिग्गजों ने सवाल उठाए थे। PCB ने गलती सुधारते हुए वीडियो को अपडेट करते हुए नए वीडियो में गलती सुधारी। इसके बाद अब सवाल यह उठने लगा कि पाकिस्तान ने नए वीडियो में वसीम अकरम को शामिल नहीं किया और उन्हें हटा दिया, जबकि पहले वीडियो में वे शामिल थे।